तू दा गैस का चलो हम जाओ बड़े बैग रखी मान जो ओ बैग रे पकड़ 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 चलो बना वीडियो बना रखी वाले बैग मैंने बिल भरे हैं यकीन करो मुझे पता है मेरा खुदा जानता है मैंने बिल भरे हैं बड़े वो मुश्किल हालात में भरे हैं। आप भाई इतने किराए क्यों ले रहे हो? हम परेशान हैं, वो भी सवारी भी हमारे से ज्यादा सवारी परेशान है। हम तो बड़े बैग रखी मान जो बैग च बड़ा समान है यार ये सही बैग धक्के रख गए मैं यार बड़ा समान है मेरा चल अच्छा क्या दे पाया सर मैं ये कहना चाहता था दोस्त गैस अब जीवन 320 अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन डॉक्टर फरियाद व्लॉग्स के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फरियाद। नाज़रीन जैसा कि आपको मालूम है महंगाई इतनी हो गई है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया गैस की कीमतों में इजाफा हो गया। यहाँ पर मौजूद हैं सारे दोस्त रक्शे वाले जो कि इधर मुल्तान घंटाघर में जो है अपना रक्शा चलाते हैं रिज़्क़े हलाल कमाते हैं। इनसे जानेंगे कि बढ़ती हुई महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे और किस तरह ये कितने की इनकी रोज़ी रोटी हो जाती है क्या कहना चाहेंगे इतनी ज़्यादा महंगाई होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम। दोस्त क्या नाम है? सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है मलिक मुश्ताक। अच्छा दोस्त ये बताइएगा इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है तो आप कैसे गुजर बसर कर लेते हैं क्या कहना चाहेंगे इतनी ज़्यादा महंगाई के बारे में? महंगाई तो बहुत हो चुकी है, मतलब गैस पहले तो गैस 210 रुपए किलो था, चलो गुजारा कर देते, सवारी अपना किराया जो भी था, अब वही सवारी वही किराया दे रही है जो पहले मौजूदा 3 महीने पहले लग रहा है। अब सवारी दे किराया मांगते हैं ज़्यादा तो वो सवारी कहती है अभी तो हम इतने पैसों में आए हैं तो आप भाई इतने किराया क्यों ले रहे हो? हम परेशान हैं, वो भी सवारी भी हमारे से ज़्यादा सवारी परेशान है। हम तो बड़े बैग रखी मान जो बैग च बड़ा समान है यार ये सही बैग धक्के रख गए मैं यार बड़ा समान है मेरा चल अच्छा क्या दे पाया सर मैं ये कहना चाहता था दोस्त गैस अब जीवन 320 रुपए किलो है लेकिन मौजूदा हाल में देखे सवारी अपना किराया वहीं पे खड़ी है 2-3 महीने पहले अलग किराया जो मतलब सवारी उसी किराए पे खड़ी है लेकिन क्या करें जी हमारे इनकम से जो भी अपना गुजारा हमारा बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है इस महंगाई के दौर में। हम ये कहते हैं निगरान हुकूमत भी आ चुकी है लेकिन निगरान हुकूमत भी कोई एक्शन नहीं ले रही। अब क्या कह सकते हैं निगरान हुकूमत का काम है 90 दिन के अंदर अपना इलेक्शन का ऐलान करें इंशाल्लाह कोई भी हमारा आएगा हुकूमत में कोई भी आगे बैठे हम उसके साथ खड़े हैं बेशक नून वाले आए या PTI आए कोई भी आए। अब 13 जमातें एक साइड पर आए इमरान खान एक साइड पर आए हर बंदा अपनी कुर्सी के चक्करों में है तो हम यही बात करते हैं हुकूमत से हमारी यही दरख्वास्त है गैस की कीमतें कम करें इंशाल्लाह ये रश्वा ड्राइवर जितने भी हैं ये सारे गरीब हैं अब ताज़ी करके खाने वाले हैं यकीन करो आज 1000-1200 रुपये में कोई मुश्किल गुजारा है। अब कल मैंने बिल भरे हैं यकीन करो मुझे पता है जब मेरा खुदा जानता है मैंने बिल भरे हैं बड़े वो मुश्किल हालात में भरे हैं। जी नाज़रीन दोस्त का कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब रक्शे वालों के लिए रक्शा ड्राइवर के लिए जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा कर दी हैं। ख़त्म तो महंगाई करनी थी लेकिन यहाँ पर जो है जो हुकूमत है वो बंदे ख़त्म करने पर तुली हुई है। तो दोस्त जो रक्शा ड्राइवर है इनका कहना है कि महंगाई को कम किया जाए।